बार चला और इसमें हमने प्रयास किया, बहुत सारे मुद्दे थे हमारे बाकी जो डिस्कस करने वाले थे कि इसको एक्सटेंड किया जाए, लेकिन एक्सटेंड नहीं किया। और जो मुख्य मांग थी हमारी, एक तो HPSC में जो घोटाला हुआ उसकी जांच हाईकोर्ट के जज की सुपरविजन में CBI द्वारा करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार सा चैट मेरे को मिला था, असेंबली पढ़ा था, वो काफ़ी सवाल खड़े करता है। और ये सारा देश जो है इस बात का देख रहा है कि इतना पैसा HPSC के दफ्तर में मिला तो उसका चेयरमैन कैसे इंक्वायरी करेगा। अगर उसके उसमें होगा तो चेयरमैन के रहते हुए फेयर इंक्वायरी नहीं होगी, तो इस वास्ते किया। दूसरी जो हमने करी मांग, जो सिलेक्शन है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज की, वो HPSC को और HSSC को नहीं देनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने ये कहा कमेटी बनाएंगे, उसमें वाइस चांसलर वो होंगे, और रीलुक करने को कहा। दूसरी क्रीमी रेल के बारे में था, OBC के बारे में, उसमें भी वो रीलुक करेंगे, लेकिन मांग हमारी कोई मानी नहीं गई। कोरोना काल में जो घोटाले हुए थे, कि वो शराब का घोटाला है, के रजिस्ट्री का घोटाला है, या फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर की डेथ हुई वो है, या अब एक चौथा घोटाला फोर्टिफाइड राइस का जो हो रहा है उसके बारे में उठाया, उसका कोई जवाब नहीं आया। हालांकि हमने सारा जवाब वहाँ सुना उनका, तो कोई तसल्ली बख्श जवाब सरकार की तरफ से नहीं आए। और जो इस प्रकार से जब खाद की बात कहते हैं, तो कह दिया आपके समय में भी थाने में खाद बटा था। मैंने यही पूछा उनसे, भाई थाने का नाम बता दो, कौन से थाने में बटा था। इस किस्म से कोई भी अपनी जिम्मेवारी की बात करने के, पिछली बात यानी पिछली सरकार का, भाई तुम्हारे को 7 साल हो गए, उनके ही दल के सदस्य बार बार कोई पूछ रहा था कि 6 साल पहले ये अनाउंसमेंट हुई, 7 साल सबसे पहले अनाउंसमेंट इन्होंने की थी, कल्पना जो मेडिकल कॉलेज जो हमारे समय बना था उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की थी, आज एक ईंट भी नहीं रखी गई उसकी, चार दीवारी भी नहीं बनी, कहाँ ये लेके जा रहे हैं। इस प्रकार से कोई बड़ी वो नहीं लाए, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक था, आज बेरोजगारी में नंबर एक है, और क्राइम में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और भ्रष्टाचार में आज जिस लेवल पर भ्रष्टाचार चल रहा है, सबको मालूम है कि चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है नहीं। और आगे जो तैयारी है, जो ओमी कोरोनारा है, उसके लिए तो अभी तो 10,000 वैकेंसी हेल्थ डिपार्टमेंट में बाकी है। बताया स्वास्थ्य मंत्री ने, इतने हमने वेंटिलेटर किए हैं, वेंटिलेटर चलाने वाले भी चाहिए, कितने नए भर्ती किए हैं, कितने डॉक्टर भर्ती करे हैं, कोई 70% जो है वैकेंसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं हमारे पास जितनी वैकेंसी है। इस प्रकार से इसमें वो है। अब दूसरा जो यातायात का साधन होता है, रोडवेज, गरीब आदमी का रोडवेज के द्वारा जाता है, 2013-14 में 4,500 बस थी, आज 7 साल के बाद घट के 3,000 बस रहेगी। तो इस प्रकार से इनका आप देख रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी 40,000 पोस्ट खाली है, और जैसे जल भराव से बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का, उसकी तरफ से कोई कंपनसेशन अभी जितना मिलना चाहिए था वो कंपनसेशन नहीं मिला। फिर बहुत सारे संस्थाएं आई हमारे पास, जैसे नंबरदार है, और ये मेरे पास लिस्ट है पूरी, मंडी है, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन हुआ, डिफेंड डम स्पोर्ट्स एसोसिएशन हुआ, जिस लड़के को मिलना था उनको नहीं मिला, वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन, नगर पालिका कर्मचारी एंड नगर पालिका कर्मचारी स्वीपर एसोसिएशन, नंबरदार एसोसिएशन, आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर एसोसिएशन, गेस्ट टीचर एसोसिएशन, OBC कम्युनिटी एसोसिएशन, हार्ट टाउन कर्मचारी वो हैं, फिर आड़ती एंड व्यापारी एसोसिएशन, फ्रूट वेजिटेबल एसोसिएशन, एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन, और पंप डीलर एसोसिएशन,
और फोर्टिफाइड राइस एसोसिएशन जो है वो मिली, मतलब इसका डिफरेंट जो अलग अलग वर्गों की जो एसोसिएशन है ये वो दिखाता है कि आज सब इस सरकार से असंतुष्ट हैं, विमुख हैं, सब परेशान हैं और सरकार सुनवाई करने के तैयार नहीं। उम्मीद थी कि भी इस सेशन में बहुत सारी समस्याओं का लोग समाधान दिया जाएगा, लेकिन जो जवाब मिला उसमें कोई समाधान नहीं मिला। और इसी वास्ते जैसे इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जैसे मांग हमने की जी एच पी एस सी की वो करने के लिए, वो भी नामंजूर कर दी और कोई भी ऐसी मांग हमारी नहीं मानी गई है, क्योंकि ये सरकार जो है बिल्कुल विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट अगर कोई देखी है तो ये देखी है, और ये तो सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है।